हेलो फ्रेंड, जय साईं नाथ। आज साईं किचन में बनने जा रहा है काजू की कतली, काजू की बर्फी, कतली जो भी कह लीजिए आप। तो त्योहार का दिन आ रहा है, अब दीपावली आने वाला है, तो सभी लोग अपने घरों में मिठाइयाँ बनाएंगे। तो हमारे घर पे भाई काजू की कतली बहुत पसंद करते हैं हमारे बच्चे सभी लोग, तो हम काजू कतली की मिठाई बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं, काजू कतली की मिठाई। यहाँ देखिए, हमने काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पे हमने काजू लिया है। तो ये काजू हमारा फ्रेश काजू है, ताज़ा। और जब भी आप काजू ले तो अच्छा काजू ले, मतलब बहुत पुराना काजू नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट उसका बहुत ही ख़राब होता है पुराने काजू का। फ्रेश काजू लीजिए, ताज़ा। और इस तरह से देखिए, हमने साबुत काजू लिया है, तो इस तरह से हमने तोड़ के देख लिया, अंदर कुछ भी कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, चेक कर लीजिए। तो ये हमारा फ्रेश काजू है, तो इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है। मैंने बहुत सारे काजू को तोड़ के देख लिया, इस तरह से हमें तोड़ के देख लेना है। और काजू हमारा एकदम टाइट होना चाहिए, मतलब एकदम ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें गीलापन ना हो काजू में। अगर आपको लगता है तो इसे धूप में 1 घंटा रख दीजिए, उसके बाद आप पीसिए, तो बहुत ही बढ़िया ये पीस के तैयार होगा। तो काजू कतली बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ देखिए 2 कटोरी काजू ले लिया है, हमारा लगभग 250 ग्राम काजू है। और हमने यहाँ पे चीनी लिया है, देखिए 1 कटोरी चीनी लिया है। तो हमें ये हमारा नाप है, तो हमने देखिए कटोरी भर की पूरा चीनी नहीं लिया है, आप देख सकते हैं इतना चीनी ऊपर से खाली है। तो आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ये 1 कटोरी चीनी ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे पानी लिया है, देखिए 1 कटोरी में हमने पानी लिया है। तो हमारा नाप इस कटोरी के हिसाब से हमने लिया है, तो आप जिससे भी नाप ले उसी से पानी और चीनी का भी नाप ले, जैसे काजू। तो हमारा 2 कटोरी काजू है, तो हमारे चीनी देख लीजिए कितना है और पानी कितना है। तो सबसे पहले हम काजू को पीस लेते हैं। काजू को पीस के हम इसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ हमने देखिए एक मिक्सी का जार ले लिया है फ्रेंड्स, तो हम इसमें काजू डालेंगे। काजू को अच्छे से हमने देख लिया है, साफ कर लिया है, और इसको हमें लगातार नहीं पीसना है। अगर आप लगातार पीसेंगे तो इसमें से ऑयल छोड़ता है, इसलिए लगातार नहीं, आप रुक रुक के मिक्सी को चलाइए, ताकि इससे बहुत ही बढ़िया पाउडर बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने पाउडर बना के तैयार कर लिया है इसका। ये हमारा बहुत ही फाइन सा पाउडर बन के तैयार है, बस हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बर्तन में पाउडर निकाल लिया है इसे काजू का। अब हम यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, जो भी आपके पास है। इसमें चीनी डालेंगे और इसे पानी डाल के इसे गैस पर हम चढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस को ऑन कर लिया है, अब इसे हम चलाएंगे। इसे हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, ध्यान रखना है, बस हमें चीनी को घुलने तक ही पकाना है अच्छे से। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये चीनी हमारा अच्छे से घुल गया है। अब हम गैस को एकदम धीमा कर देंगे, यानी लो फ्लेम पे कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। हमने 1 चम्मच करीब घी डाल दिया इसमें। अब इसके बाद में ये पाउडर है जो हमने काजू का पाउडर बनाया है, केसियो पाउडर, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के और हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और हमने इसे चाला नहीं है, और आप चाहे तो इसे चाल के भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका एकदम फाइन पाउडर बनता है तो चालने की ज़रूरत नहीं है, अगर फाइन नहीं है तो आप इसे जल्दी से चाल सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और गैस को हमें ध्यान रखना है, लो फ्लेम पे ही रखना है इस समय। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसे लो फ्लेम पे ही इसे चलाते रहना है इस तरह से, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, कोई लम्स वगैरह गुठलियाँ ना हो इसमें। और हमें तब तक इसे पकाना है जब तक इस डोसा तैयार नहीं हो जाता है, मतलब ये जमने के फॉर्म में नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसे लगातार मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे चलाते रहना है। और काजू कतली बनाना फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, आप इसमें चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट उससे भी आता है। हमारे पास मिल्क पाउडर नहीं था आज, तो हमने नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें 2 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसे दूध में भी बना सकते हैं। जैसे हमने पानी का यूज किया है, उस तरह से दूध का भी यूज करके हम बना सकते हैं। और इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आपको फ्लेवर पसंद हो। हमें नहीं पसंद है इसमें, तो हमने नहीं डाला है। अगर आप पसंद करते हैं इलायची फ्लेवर, तो आप डाल सकते हैं।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम जमने के फॉर्म में हो गया है, इस तरह से इकट्ठा हो गया है और कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहे हमारे। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। गैस को एकदम लो ही रखेंगे, थोड़ा सा हाथों में घी लगाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें से निकाल के देखेंगे कि हमारा गोल गोल सा ये बनता है कि नहीं, लड्डू जैसा। ये देखिए, ये हो गया इस तरह से, यानी ये बर्फी जमने के लिए तैयार है। हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हमने देखिए यहाँ एक प्लेट ले लिया और इसमें घी लगा लिया अच्छे से, और इससे जो हमने बर्फी के लिए बनाए बस इसमें निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। हमने देखिए इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया, इस तरह से हम इसे ठंडा कर लेंगे मिक्स करते हुए थोड़ा सा। देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये इकट्ठा हो रहा है एक जगह, बस हमें इसी तरह से स्ट्रेस से रखना है इसका। ये देखिए, जमने के फॉर्म में दम है बर्फी, इसे थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने एक थाली ले लिया है इस तरह से, थाली को उल्टा कर लिया है और इसके ऊपर हम बटर पेपर भी छाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरह से। हम घी लगा लेंगे इसके ऊपर। आप चाहे तो बटर पेपर आपके पास ना हो तो प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं। अब बस ये हमारा ठंडा हो जाएगा डो। ये देखिए, इसको हम इस पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ देखिए तो बटर पेपर पे रखिए, बस ठंडा होने के बाद ही बटर पेपर पे रखिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएगा। इस तरह से हमें गोल कर लेना है, एक बड़ा सा डोई सा बना लेना है, बस इसे ऐसे रख लेना है और इस तरफ भी घी लगा लेना है हमें दूसरे तरफ भी, और इसे हमें चौकोर सा बेल लेना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से कर लिया। अब बेलन पे भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे ये आसानी से मिलेगा, और इसे हमें ले लेना है चौकोर सा सेप देना है हमें। तो यहाँ देखिए थाली सा रख रहा है, तो हम इस पर रख लेते हैं स्लेब पे। स्लेब पे रखते हुए हम बोलेंगे इससे ये सटकेगा नहीं, तो इसे चारों तरह इसे घुमाते हुए हमें बेल लेना है। आपको जितना थिक रखना है, जितना मोटा रखना है, इस तरह से हम रखें। चांदी का वर्क लगाएंगे इसके ऊपर जिससे कि ये और भी अच्छा देखने में एकदम बाजार जैसा लगेगा। तो आपके पास अगर हो तो लगाइए, नहीं तो ऐसे भी बहुत ही बढ़िया लगता है ये काजू का बर्फी। तो आप देखिए इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा गीला होने पे ही इसके ऊपर से लगा दीजिए चांदी का वर्क, जिससे ये आसानी से चिपक जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बाजार जैसा लुक लगता है। तो ये घर पे देखिए बढ़िया महंगी वाली मिठाई फटाफट घर पे बन के तैयार हो जाता है। तो आप दीपावली त्यौहार पे एक बार ज़रूर इसे अपने घर पे ट्राई करिए, और एकदम आसान विधि है। मैंने आपको सारा रेसो बता दिया है कि कैसे बनाना है, तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। अब बस हम इसका कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपको अगर डायमंड शेप काटना आ रहा है तो आप आराम से चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह से शेप वाला है तो हम इस तरह से इसे डायमंड शेप में काट लेते हैं। कटर है हमारे पास ये काटने वाला, ये आराम से बाजार में आसानी से मिल जाता है ये कटर। तो आप इस कटर से काटेंगे, एक बराबर आराम से कट जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो इसके साइड के जो बचेंगे तो उसको हम गोल लड्डू की तरह बना लेंगे, या फिर से हम इसको करके बेल के इस तरह से फिर से हम बर्फी बना सकते हैं। तो आप चाहे तो लड्डू बना दें लड्डू का शेप रख के, या बर्फी का। तो हमने यहाँ पे लड्डू का शेप बना के रखा है फ्रेंड। आप देखिए कितना बढ़िया ये सूख गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। हमने इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए 2 से 3 घंटा तक छोड़ दिया था, आराम से ही हो जाता है सेट, फिर उसके बाद आप इसे काटिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया आपका बनके तैयार होगा इस तरह से।
और ये आसानी से आराम से निकल सकता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ठीक है, हमने कितना मोटा इसे रखा है। तो आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। बहुत से लोग बहुत पतला भी रखते हैं और थोड़ा मोटा भी रखते हैं। तो आपको जो से जैसा भी पसंद हो, उस तरह से आप अपने घर पे इसे बनाइए और त्योहारों में इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया, देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक लग रहा है। देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में आप पूछिए नहीं, बहुत ही लाजवाब टेस्टी बना है। तो इस तरह से आप बनाइए। आप यहाँ देख सकते हैं हम इसे लड्डू बना रहे हैं, जो साइड साइड का बचा हुआ था तो हमने इसे लड्डू बना लिया। तो आप इसे लड्डू या आप इसे बेल के दोबारा से ये इस तरह से बर्फी का शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। आपका कमेंट्स हमें बहुत ही प्रोत्साहन देता है और आगे हमें अच्छे से अच्छी रेसिपी लाने में हमारा सपोर्ट करता है। तो अब फ्रेंड्स, आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख सकती हैं तो हमने इसे तोड़ के भी दिखा दिया कितना अच्छा आसानी से ये टूट गया और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बना है। तो आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।